हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट मथुरा में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 11th क्लास के लिए, 11th क्लास का एक्सरसाइज 3.4 ट्राइग्नोमेट्री। 3.4 में हम जो आज डिस्कस करेंगे वो रहेगा प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल फॉर्म। देखिए, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो की जनरल फॉर्म और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, इनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, टेन एक्स इज इक्वल टू आपको रूट थ्री दे रखा है। तो टेन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम जानते हैं कि टेन में जो वैल्यू होती है वो होती है रूट थ्री। किसकी वैल्यू होती है? 60 की। तो आपको करना यह है, टेन से टेन को कैंसिल आउट कर देना है, एक्स इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। और इस 60 को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर देते हैं, डिग्री टू रेडियन, तो आपका जो है यहाँ पर रेडियन, आपकी जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल जाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाएगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। तो आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी वो पाई बाई, देखिए मैं इसको क्या करने वाला हूँ, 60 इंटू पाई अपॉन 180 करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3 मिल जाएगा। तो जो पाई बाई 3 है वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। अब हम बात करेंगे जनरल फॉर्म की। देखिए, जनरल फॉर्म के लिए, जनरल फॉर्म के लिए आपको करना ये है कि देखिए, तीन आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ जनरल फॉर्म की, जिन्हें हम तीन ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो से ले सकते हैं, कॉस एक्स और टेन एक्स, इनसे ले सकते हैं। तो देखें, यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो मिलेगी एन पाई प्लस माइनस की पावर एन और यहाँ पर थीटा। ठीक है, ये तो थी साइन के लिए, ये है कॉस के लिए, टू एन पाई और प्लस माइनस थीटा। यहाँ पर है आपका एन पाई प्लस थीटा। तो ये तीन हैं, इन तीन से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर n बिलोंग्स टू जेड है, यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू जेड है और यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू जेड है। ये तीन आपकी जनरल फॉर्म है और इन तीन ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो में ही आपको अदर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो को कन्वर्ट करना है और जनरल फॉर्म को बताना है। तो देखें, यहाँ पर हमारा क्या है, टेन है। टेन के लिए हमारी जो वैल्यू निकली थी x इज इक्वल टू पाई बाई 3 थी। आप देखें, टेन की जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, ये है। तो यहाँ जनरल फॉर्म हमने अभी बताया आपको, जनरल फॉर्म में निकालना है। तो जनरल फॉर्म की हम बात करें तो जनरल फॉर्म के लिए आपको करना ये है, देखें क्या है, एन पाई प्लस थीटा की जगह पर आपको पाई बाई 3 रख देना है, पाई बाई 3, और यहाँ पर कहना है कि एन बिलोंग करेगा किस में, जेड में। तो जो आपका ये आंसर है वो है फर्स्ट क्वेश्चन का, यानी कि जनरल फॉर्म की बात करें तो ये है आपकी जनरल फॉर्म। ठीक है, तो ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर टू को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, क्वेश्चन नंबर टू में कॉस को हम सेक को कॉस में कन्वर्ट करना है। तो कॉस में जैसे ही मैं इसे कन्वर्ट करूंगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू ये 1/2 हो जाएगा। और 1/2 की बात करूं तो कॉस में जो 1/2 होता है वो कॉस 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है? कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू मुझे यहाँ पर पाई बाई 3 मिलने वाला है। जब पाई बाई 3 मिलेगा तो हम जानते हैं कॉस की जनरल फॉर्म क्या होती है, टू एन पाई, यहाँ पर ये एन है भाई, एन टू एन पाई प्लस माइनस थीटा, ये होती है। अब मैंने इसमें रखा तो टू एन पाई प्लस माइनस थीटा की वैल्यू पाई बाई 3। तो ये होगा आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन का, ये रहेगी आपकी जनरल फॉर्म सेकंड क्वेश्चन के लिए। थर्ड की बात करूँ तो कॉट को टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेन एक्स इज इक्वल टू होगा आपका माइनस का वन बाई अंडर रूट थ्री, क्योंकि जब मैं 10 को कन्वर्ट करूंगा, कॉट को करूंगा 10 में, तो आपको माइनस का अंडर रूट 1/3 हो जाएगा। यानी किस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू माइनस का 1/√3। ओके, अब हम जानते हैं क्या कि माइनस की वैल्यू जो होती है, देखिए इसे लिख सकता हूँ क्या, 10x इज इक्वल टू माइनस 10, कितने की वैल्यू होती है भाई, 1/√3, 30 की। तो यहाँ पर 30 लिख सकता हूँ, 30 को लिख सकते हैं पाई बाई 6। क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 6। अब आप देख लीजिए, माइनस को हटा दीजिए। आप माइनस को हटाने पर आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पर करना होगा 10x इज इक्वल टू 10 पाई माइनस थीटा। देखिए, पाई क्यों किया, पाई हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो बदले ना, क्योंकि हम जानते हैं 180 और 360 पर चेंज नहीं होता है, 180 और 360 पर चेंज नहीं होता, यानी कि पाई और 2π पर आप इस फंक्शन को, जो आपका ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो, उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखें, जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं 10 से 10 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। आपकी जो वैल्यू बचेगी वो रहेगी यहाँ पर 6π माइनस 1π करेंगे तो 5π/6 बचेगा। क्या बचेगा? 5π/6 बचेगा। अब 10 की जो जनरल फॉर्म है उसमें लिख देंगे, 10 की जनरल फॉर्म थी एन पाई प्लस थीटा, यानी कि 5π/6। ठीक है, बट एन बिलोंग्स टू जेड, ये रहेगी आपकी जनरल फॉर्म ऑफ 10 की।
है, इसको इसमें रख दिया है तो जनरल फॉर्म ये आंसर रहेगा आपका थर्ड वाले के लिए। फोर्थ वाले के लिए देख लेते हैं, फोर्थ कुसेक कह रहा है तो कुसेक को साइन में कन्वर्ट करेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू यहाँ का माइनस वन बाई टू हो जाएगा। साइन एक्स को किया तो साइन एक्स की वैल्यू अगर देखो तो माइनस वन बाई टू यानी साइन थर्टी होता है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन थर्टी को माइनस साइन पाई बाई सिक्स, यहाँ पर थर्टी को इससे लिख सकते हैं। जब थर्टी को लिखा तो देखिए साइन कौन से किस वाले कॉलम में जो है आपका नेगेटिव रहता है, तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 180 करूँगा तो 180 माइनस करने पर करूँगा तो ये वाला कॉलम में आएगा, और माइनस करने पर हमेशा साइन कैसा रहेगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस, तो यहाँ पर मैंने किया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई सिक्स, ओके। तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी सेवन पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो जनरल फॉर्म अगर हम बनाएंगे तो जनरल फॉर्म का एक फॉर्मूला था क्या, देखें जनरल फॉर्म का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। जनरल फॉर्म में आप कह पा रहे थे कि x इज इक्व टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n और थीटा सेवन पाई बाई सिक्स, और यहाँ पर था n बिलोंग्स टू z, तो ये होगा आपका जनरल फॉर्म किसके लिए, साइन के लिए, ठीक। ये था आपका जनरल फॉर्म किसके लिए, साइन के लिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव की जब हम बात करेंगे तो देखें इस वाले को मैं इधर ले लेता हूं, तो ये मिलेगा आपको कॉस फोर एक्स माइनस कॉस टू एक्स इज इक्वल टू, सॉरी टू एक्स है, टू एक्स, और यहां पर आएगा जीरो। जब देखें कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी यहां पर मिल चुकी है, तो माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, ओके। यहां पर लिख सकता हूं साइन सी माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो देखें ये जो वैल्यू मिली वो रहेगी साइन थ्री एक्स, यहाँ पर रहेगी साइन एक्स, ओके इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है, इसका टू का डिवाइड दे देंगे इधर तो ये जीरो हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका वैल्यू थ्री एक्स और यहाँ पर साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखें एक बार आपको साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो रख लेना है और एक बार आपको साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो रख लेना है, ये पार्ट मैंने बना दिए हैं। अब देखें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं साइन जीरो की, देखो जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो मैं यहाँ पर अगर जीरो ले लूँगा तो सारा कुछ जीरो के बिलोंग कर जाएगा, तो हमें जीरो नहीं लेना है। यहाँ 180 पे भी जीरो होती है, साइन जीरो पे भी जीरो होती है, तो 180 पर भी जीरो होती है, तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, देखें साइन थ्री एक्स इज इक्व टू मैं यहाँ लिखूँगा क्या पाई, क्या लिखूँगा पाई, ओके। तो देखें पाई मैंने लिखा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी साइन पाई, क्लियर। साइन से साइन को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो थ्री एक्स इज इक्व टू यहाँ पर मिलेगा पाई, है ना, और एक्स इज इक्व टू मिलेगा पाई बाई थ्री। ऐसे ही मैं सिंपल तरीके से दूसरे वाले को भी देख लेता हूँ, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर साइन पाई मिलेगा, और पाई से पाई को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर पाई मिल जाएगा, ओके। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब साइन की जो जनरल फॉर्म है वो लिख लीजिए, एक्स इज इक्व टू क्या है साइन के, साइन नहीं सॉरी कॉस के, क्योंकि जो क्वेश्चन है हमारा वो कॉस में है, ठीक है, साइन में तो बाद में कन्वर्ट किया है। हमारा जो क्वेश्चन होता है उसकी जनरल फॉर्म को लिखा जाता है, तो कॉस की जनरल फॉर्म है टू एन पाई, टू एन पाई प्लस पाई बाई थ्री, ओके। यहाँ पर है आपका एक्स टू एन पाई, टू एन पाई प्लस पाई, ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जनरल फॉर्म बनाई जा सकती हैं, तो ये इसके लिए आंसर रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए ये वाला कॉस है, ये भी सिंपल वही क्वेश्चन है जो अभी प्रीवियस किया था। इसमें क्या करना है आपको, करना ये है कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस टू एक्स, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, इन दो पार्टों को लेके सी प्लस डी वाला फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पर आएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू यानी कि थ्री एक्स प्लस एक्स बाई टू और कॉस थ्री एक्स माइनस एक्स बाई टू, यहाँ पर आएगा माइनस का कॉस टू एक्स और ये इज इक्व टू जीरो, ओके। तो मैंने क्या किया यहाँ से, देखें मैंने यहाँ से किया क्या कि दोनों को जोड़ दिया और टू का डिवाइड दिया, तो ये टू कॉस टू एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस टू एक्स इज इक्व टू जीरो। मैंने क्या किया अगेन, यहाँ से मैंने कॉस टू एक्स को कॉमन ले लिया है, और कॉस टू एक्स कॉमन लेने पर जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी टू कॉस एक्स माइनस वन इज इक्व टू जीरो, ओके। एक बार आपको करना यह है कि इस वाले टर्म को ले लेना है किसके इक्वल, जीरो के इक्वल, ओके। अगेन एक बार इसको इसके इक्वल जीरो रख लेना है, एक बार इसके इक्वल जीरो रख लेना है। इसकी वैल्यू अगर मैं देख पाऊँ तो देखें कॉस की वैल्यू अगर मैं देखूँ, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है,
यहाँ पर आपको करना यह है, कॉस जब 90 की वैल्यू जीरो होती है तो 2 पाई यहाँ पर आएगा, 2x आएगा यहाँ पर सॉरी, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस पाई बाई 2। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू जो मिलेगा पाई बाई 4 मिलेगा। ओके, अगर यहाँ पर देखें आप तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी कॉस x इज इक्वल टू 1 और 1 बाई 2 क्या रहेगी 1 बाई 2। तो x इज इक्वल टू जो वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ 1 बाई 2 यानी कि वैल्यू होती है 60 की यानी कि पाई बाई 3, पाई बाई 3 मिलेगा आपको, तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा। तो आपको जब आपको क्वेश्चन दे रखा है कॉस का, तो कॉस के लिए आप जो फॉर्म जनरल फॉर्म जो लिखेंगे वो रहेगी 2n पाई प्लस माइनस थीटा की वैल्यू एक बार पाई बाई 4 लिखेंगे, ठीक है, और एक बार आप जो लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे। तो ये रहेगा n बिलोंग्स टू जेड और ये रहेगा आपका n बिलोंग्स टू जेड, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो तरीके से आपको क्वेश्चन को कर सकते हैं। आंसर्स की टेंशन ना लीजिएगा क्योंकि आंसर्स को ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में 180 और 360 पर भी मिलाया जा सकता है, ठीक है, और 90 और 270 पर भी मिलाया जा सकता है। तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग चलेंगे, ना कि आपकी आंसर शीट के अकॉर्डिंग चलेंगे। आंसर से क्वेश्चन मैच नहीं करता कभी भी, आप समझिएगा, क्योंकि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर की चिंता ना करें। एक स्टेप पहले भी छोड़ सकते हैं और एक स्टेप बाद में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन है, आपको करना यहाँ पर यह है कि इसे कॉस में कन्वर्ट कर लेना है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये आइडेंटिटी होती है साइन 2x की, प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। कॉस एक्स को कॉमन ले लीजिए आप, कॉस एक्स जैसे ही आपने कॉमन लिया यहाँ पर लेगा 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखिए, एक बार आप कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, एक बार यहाँ से 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो सेम वही क्वेश्चन आएगा अभी जो किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 2, तो यहाँ पर कॉस पाई बाई 2, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ तो ये वैल्यू मिली, ठीक है, यहाँ तो ये वैल्यू मिली। अब यहाँ पर देखिए 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अब यहाँ से क्या किया 2 साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 और साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 हो गया, ठीक है, माइनस की वैल्यू आ गई। तो साइन में हम जानते हैं साइन एक्स इजिकल टू माइनस साइन पाई वाई कितना होता है 30, और 30 को हम जानते हैं पाई वाई 6 होता है, क्या होता है पाई वाई 6। अब वही क्वेश्चन जो पीछे रिपीट हुआ था वही क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है, तो आप इसे कर सकते हैं, साइन क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर पाई प्लस पाई वाई 6, ठीक है, इससे ये 7 पाई हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, तो एक्स इजिकल टू 7 पाई वाई 6 हो जाएगा। ओके, तो ये 7 पाई बाई 6 हो गया, दोनों रेशियो हमें मिल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर आप एक बार कॉस की आइडेंटिटी लगा दीजिए, एक बार आप साइन की आइडेंटिटी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कॉस की आइडेंटिटी लगाएंगे तो 2 एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या कि एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, और यहाँ पर हो जाएगा 7 पाई बाई 6, तो दो इसके आंसर रहेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वेयर 2x इज इक्व टू 1 माइनस टेन 2x। ओके, 1 से 1 को कैंसिल आउट किया जा सकता है ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा टेन स्क्वेयर 2x प्लस टेन 2x इज इक्व टू 0। ओके, ये वाली बात मिलेगी आपको, जो आपने इसको कर लिया है तो यहाँ से टेन 2x कॉमन लिया जा सकता है, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी टेन 2x प्लस 1, है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो एक बार आप इसके इक्वल में जीरो लिखेंगे, टेन 2x इज इक्वल टू 0, और एक बार आप इसके इक्वल में जीरो लिखेंगे, टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सेम फॉर्मेट से आप यहाँ ट्राइग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालेंगे, क्या थी इसकी ट्राइग्नोमेट्रिक वैल्यू, देखें जीरो किस पर होता है, तो जीरो आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको अगर देखें जीरो हम किसी का डिवाइड देते हैं जीरो हो जाता है, तो यानी कि टेन जीरो की वैल्यू जीरो रहती है, तो टेन जीरो की वैल्यू वही आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू 10 पाई, क्या 10 से 10 को कैंसिल आउट किया तो 2x इज इक्वल टू पाई और x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप इसको करेंगे, तो इसको करने के लिए आपको करना ये है कि टेन 2x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 की वैल्यू देखें 45 की वैल्यू होती है यानी पाई बाई 4 की, तो टेन 2x इज इक्वल टू 10 माइनस का 10 पाई बाई 4, ठीक है, तो टेन 2x इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस कौन से वाले क्वाड्रेंट में आएगा, दूसरे वाले में, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 10 पाई माइनस पाई बाई 4। ओके, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये कंडीशन जो बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, टेन 2x इज इक्वल टू
फोर यानी कि इससे माइनस हो जाएगा, टेन को हट जाएगा यहाँ से, टू एक्स इजिक्वस टू आएगा, ये यहाँ पर लिख देता हूँ, टू एक्स इजिक्वस टू आएगा थ्री पाई बाई फोर, ठीक है, और टू का डिवाइड दिया तो एक्स इजिक्वस टू थ्री पाई बाई एट हो जाएगा। तो दो आपको यहाँ ट्राइगोनोमेट्रिक जो है प्रिंसिपल वैल्यू मिल चुकी हैं, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए इनकी वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है एन पाई प्लस पाई बाई टू, एक तो ये जनरल फॉर्म हो गई, दूसरी आप यहाँ पर लिख सकते हैं एन पाई प्लस थ्री पाई बाई एट फॉर एन बिलोंग्स टू जेड, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं एन बिलोंग्स टू जेड, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर एट था। क्वेश्चन नंबर नाइन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन आपको सिंपल है, देखें इस वाली को इसके साथ प्लस करने पर मुझे ये वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वाली आइडेंटिटी को जब मैं प्लस करूँगा यहाँ पर तो देखें क्या करना है आपको, साइन साइन एक्स साइन फाइव एक्स प्लस साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर आप साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी टू साइन सी प्लस डी वाई टू, और यहाँ पर कॉस सी माइनस डी वाई टू, सी माइनस डी वाई टू, और यहाँ पर आएगा साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखें टू साइन थ्री एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस माइनस फोर एक्स टू एक्स, कॉस माइनस टू एक्स हो जाएगा प्लस साइन थ्री एक्स यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। आप जानते हैं टू साइन थ्री एक्स, और यहाँ पर कॉस कॉस ही रहेगा यानी कि टू एक्स ही रहेगा प्लस, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। थ्री एक्स कॉमन ले लूँगा, साइन थ्री एक्स कॉमन लिया तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी टू कॉस टू एक्स, टू है ये भाई टू एक्स, और यहाँ पर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक बार साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक बार टू कॉस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे कॉस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन बाई टू, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू निकालेंगे साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू साइन पाई, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू मिलेगा आपको पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री, ठीक है। सेकेंड वैल्यू इसको देख लेते हैं, यहाँ पर कॉस टू एक्स, देखें कॉस टू एक्स है, कॉस के लिए माइनस, देखें बाई टू सिक्स का वैल्यू होता है तो कॉस सिक्सटी हो गया यहाँ पाई बाई थ्री, ठीक है। माइनस का है तो माइनस को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा भाई, जब माइनस है तो देख लेते हैं कॉस माइनस का किस कॉलम में रहेगा, 180 पर, तो देख लेते हैं 180 दे, देखो यहाँ पे भी माइनस का रहेगा और यहाँ पर भी माइनस का रहेगा, यानी कि इन दोनों कॉलम्स में कॉस माइनस का ही रहने वाला है, किसी में भी कर लीजिए, या तो माइनस कर लीजिए या प्लस कर लीजिए, तो माइनस कर लेता हूँ तो कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो कॉस टू एक्स इज इक्वल टू कॉस टू पाई बाई थ्री मिल जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू पाई बाई सिक्स, और टू से इसे कैंसिल कर लूँगा तो पाई बाई थ्री हो जाएगा, पाई बाई थ्री हो जाएगा। कॉस के लिए आपका जनरल फार्मूला होता है, कॉस के लिए आपका जनरल फार्मूला होता है टू एन पाई प्लस थीटा, तो यानी पाई बाई थ्री, ये तो हो गया इसका। और साइन के लिए होता है, साइन के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन, और यहाँ थीटा पाई बाई थ्री, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्म रहेंगी, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए जनरल फॉर्म ये, ठीक है। अगर आपको साइन की वैल्यू नहीं दिख रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखें एन पाई प्लस माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा एन एन, और यहाँ पाई बाई थ्री, ये होगी साइन के लिए जनरल फॉर्म, यानी इस वाले के लिए, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर नाइन। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.4। इसी तरीके के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिलेंगे आपको, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर प्रीवियस सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।